पितृपक्ष में करें इन दो पेड़ों की पूजा और चढ़ाएं इन्हें जल। हमेशा रहेंगे प्रसन्न आपके पितृ और देंगे आपको खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद। दोस्तों, वैसे तो हमें अपने पितरों का स्मरण हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप हमेशा अपने पितरों को याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पितृपक्ष के दौरान उनके लिए नियमित श्राद्ध दर्पण करना चाहिए। 16 दिनों तक चलने वाला पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से हो चुकी है। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। श्राद्ध में अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। पितरों की मृत्यु की भर्ती पर तर्पण और पिंडदान करने से ही पितरों का शरण तर्पण श्राद्ध से ही चुकाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा बताया गया है, अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है या फिर आपके घर में बार बार कोई समस्या आ जाती है और आपके घर में कला कलेश का माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में अगर आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं तो आपके घर की सभी परेशानियां और समस्याएं खत्म हो जाती हैं, जिसके लिए आपको पितृपक्ष में उनका स्मरण करना है और उनका पिंडदान भी करना है। इसी के साथ अगर आप शास्त्र में बताए गए इन दो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं तो आपके पितृ आपसे अति प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। तो आइए जानते हैं कि किन पेड़ पौधों की पूजा करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और तिल का कौन सा उपाय है जो आपको सीधा लाभ दिलाएगा और आपके पितर प्रसन्न होंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना और आपके अपने चैनल सत्य सनातन इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, दोस्तों, आपको श्राद्ध के इस अवधि में पीपल के पेड़ को किसी वृक्ष या फिर तालाब के किनारे अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से जब भी पीपल के पेड़ के पत्ते उस पानी में टूट कर गिरेंगे तो ये एक पिंड के समान होगा और इससे आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर हो सके तो आपको पितृपक्ष के इस महीने में प्रतिदिन पीपल को जल भी चढ़ाना चाहिए, इससे आपके घर में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ पर दूध में पानी और तिल मिलाकर भी चढ़ाना चाहिए, बहुत ही लाभकारी होता है। इससे आपके पितर संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। इसी के साथ पितृपक्ष में प्रतिदिन शाम को पीपल के नीचे तेल का दीपक भी आपको ज़रूर लगाना चाहिए, इससे आपके पितृ दोष खत्म होते हैं और आपके जीवन पर आने वाले सभी संकट टल जाएंगे। नंबर 2 पर आता है तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पितृपक्ष में अगर आप तुलसी के पूजा करते हैं तो आपके पितृ आपसे संतुष्ट होते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में निवास करती हैं। इसी के साथ आपको पितृदोष के बुरे प्रभाव से भी बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। पितृपक्ष के इस अवधि में आपको पितरों के नाम का एक दीपक जरूर जलाना है। ये दीपक आपको अपने घर के उस स्थान पर जलाना है जहाँ पर आपके घर में पानी का स्रोत हो। ऐसा करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और उनको तृप्ति की प्राप्ति होगी और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। नंबर 3 पर आता है, दोस्तों, हिंदू घरों में सुबह की पूजा और शाम की जो संध्याकाल के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में आप प्रतिदिन एक दीपक जला करके दक्षिण दिशा में जरूर रख दें। ये आपके घर के लिए बहुत ही फलदायी होगा। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की मानी गई है, इसलिए ये उपाय करने से आपको पितरों का आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। प्रतिदिन घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में के बीच में एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आप पर हमेशा अपनी कृपा बरसाएंगी। इसी के साथ आपके घर में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी, साथ ही आपके पितर भी आपसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ पर देवी और देवताओं का वास होता है, साथ ही पीपल के पेड़ पर पितरों का विवाह होता है। ऐसे में पितृपक्ष के इस महीने में आप अगर प्रतिदिन पीपल में जल देकर उसके पास घी का दीपक जलाते हैं तो आपके सभी पितृदोष खत्म हो जाते हैं। इसी के साथ अगर आप नियमित रूप से शाम को रसोई घर में पीने के पानी के पास दीपक जलाते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा दोनों ही आपसे प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा पितृदोष भी आपके समाप्त होते हैं। इसके लिए आपको दीवार पर अपने पूर्वजों की एक तस्वीर लगानी है और उनकी तस्वीर के सामने धूप अगरबत्ती विशेष रूप से जलानी है। अगर आप श्राद्ध पक्ष के इस अवधि में ऐसा करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ जरूर मिलेगा। इसके अलावा आपको पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक भी जलाना है। ऐसा अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो इससे आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा। नंबर 4, घर की शांति के लिए आपको पितृपक्ष में प्रतिदिन
दोपहर के समय में पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। पितृ को प्रसन्न करने के लिए आपको पीपल के पेड़ में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करना है। पितृदोष की शांति के लिए या फिर उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। शिवपुराण में ऐसा बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में घर के किसी भी सदस्य को तुलसी का ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको तुलसी का गमले के पास में एक कटोरी रख देनी है। इसके बाद हथेली में गंगा जल लेकर 5 या फिर 7 बार अपने पितरों के नाम का स्मरण करना है। इसी के साथ में आपको बाबा विश्वनाथ का भी नाम लेना है और धीरे धीरे गंगा जल को छोड़ना है। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और पितरों का स्मरण करना है। इस गंगा जल को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाएगी। साथ ही ये उपाय करने से आपके पितरों को तर्पण और पिंडदान भी आवश्यकता नहीं होगी। ज्योतिष चौकी अनुसार पितृदोष मुक्ति का महापर्व पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा में अश्विन अमावस्या तक चलता है, इसलिए 16 दिन पितरों को समर्पित किए गए हैं। नंबर 5 पितृपक्ष के इस महीने में जब आप पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं तब आपको पितरों को तर्पण करते समय जल में थोड़ा सा अवश्य ही ये मिला देना चाहिए। इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसी के साथ ही यम को भी तेल अति प्रिय होता है, इसलिए पितरों का तर्पण काले तिल से करने का विधान बताया गया है। पितृपक्ष के महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि के दिन भी आपको विष्णु पूजन में काले तिलों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु को पितृपक्ष के दौरान अगर तिल अर्पित किए जाएं तो जीवन की सभी बाधाएं नष्ट होती हैं और भगवान विष्णु आपसे अति प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 6 पर आते हैं। अगर आपके भी जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं और आपके कार्य में अड़चन आ रही है तो आपको पितृपक्ष में आने वाले शनिवार के पवित्र नदियों में एक मुट्ठी तिल लेकर उसे प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और आपके सभी पितृदोषों का नाश होता है और शनिदेव भी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। ये उपाय करने से आप जीवन में आने वाली सभी बाधाएं आपकी दूर हो जाएगी। उसी के साथ में अगर आप दूध में काले तिल मिलाकर इस दूध को पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देते हैं तो इससे आपके घर के सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये उपाय आपको पितृपक्ष के महीने में ही अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्व धरती पर आते हैं और पीपल के वृक्ष में अपना निवास करते हैं। इसलिए ये उपाय आपको पितरों की प्रसन्नता के लिए अवश्य ही करना है, प्रभावशाली साबित होगा। नंबर 6 दोस्तों, पितृपक्ष के इस अवधि में ब्राह्मण को भोजन कराने का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस दौरान अगर आप ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक घर में आमंत्रित करते हैं और उन्हें भोजन कराकर दान दक्षिणा देते हैं तो आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान अपने द्वार पर पितरों के लिए एक दीपक अवश्य ही जलाएं। आपको ये दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाना है, इससे वो आपसे प्रसन्न होंगे। इसी के साथ में आपको पितृपक्ष के 16 दिनों में अपने घर में सात्विक भोजन ही बनाना है और उसे ही ग्रहण करना है। इस अवधि में आपको मांस, मदिरा इत्यादि से दूर रहना है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और इन उपायों को श्रद्धापूर्वक करते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। आपके पितर भी हमेशा हमेशा आपसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको एक बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम कभी भी किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल सत्य सनातन इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। राधे राधे।